माननीय सदस्यगण, आज की दुनिया में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हैं। आज की दुनिया अनेक चुनौतियों से गुजर रही है। दशकों पहले बनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता और प्रभाव पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इन परिस्थितियों में भारत ऐसा देश बनकर उभरा है जो आज की विभाजित दुनिया को किसी न किसी रूप से जोड़ रहा है। आज भारत उन देशों में से एक है जो ग्लोबल सप्लाई चेन पर विश्वास को फिर से सशक्त कर रहे हैं। इसलिए आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नज़र से देखते हैं। इस वर्ष भारत G20 जैसे प्रभावी समूह का नेतृत्व कर रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंच के साथ मंत्र के साथ भारत की पूरी कोशिश है कि G20 के सदस्य देशों के साथ मिलकर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान तलाशा जाए। मेरी सरकार इसको सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि ये पूरे देश के प्रयास से भारत के सामर्थ्य और संस्कृति को शोकेस करने का अवसर है। इसीलिए पूरे देश के दर्जनों शहरों में साल भर G20 की बैठकें आयोजित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, ये भारत के वैश्विक रिश्तों का बेहतरीन दौर है। इसमें दुनिया के विभिन्न देशों के साथ अपने सहयोग और मित्रता को सशक्त किया है। एक तरफ हम इस वर्ष SCO की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो वही दूसरे तरफ क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमने अपने राष्ट्रीय हितों का सर्वोपरि रखते हुए अपने भूमिका का विस्तार किया है। अफगानिस्तान में भूकंप हो या फिर श्रीलंका का संकट, हम सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर पहुंचे। भारत को लेकर आज जो सद्भाव है उसका लाभ हमें अफगानिस्तान और यूक्रेन में पैदा हुए संकट के दौरान भी मिला। संकट में फंसे अपने नागरिकों को हम इन देशों से सुरक्षित लेकर आए। इस दौरान भारत ने कई अन्य देशों के नागरिकों को की मदद करके अपना मानवीय स्वरूप को फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। माननीय सदस्यगण, भारत ने आतंकवाद को लेकर जो कड़ा रुख अपनाया है उसको भी आज दुनिया समझ रहा है। इसलिए आतंकवाद के विरुद्ध भारत की आवाज़ को हर मंच पर गंभीरता से सुना जा रहा है। पहले वर्ष अक्टूबर में भारत में पहली बार UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें भी भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अपनी भूमिका को स्पष्ट किया। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताओं को भी मेरी सरकार गंभीरता से पूरे विश्व के सामने रख रही है। मेरी सरकार का साफ मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब हम राजनीतिक और रणनीतिक रूप से सशक्त होंगे। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर हम निरंतर बल दे रहे हैं। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की अनंत यात्रा अनंत गौरव से भरी हुई है। हमने लोकतंत्र को एक मानवीय संस्कार के रूप में विकसित किया है, समृद्ध किया है।
अपने हजारों वर्षों के अतीत की तहत तरह ही आने वाली सदियों में भी भारत मानवीय सभ्यता को की अविरल धारा की तरह अनवरत गतिमान रहेगा। भारत का लोकतंत्र समृद्ध था, सशक्त था और आगे भी सशक्त होता रहेगा। भारत की जीवटना अमर थी, आगे भी अमर रहेगी। भारत का ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म सदियों से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है और आने वाली सदियों में भी विश्व की इसी तरह राह दिखा। भारत के आदर्श और मूल्य अंधकार से भरे गुलामी के दौर में भी अक्षुण्ण रहे हैं और ये आगे भी अक्षुण्ण बने रहेंगे। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान अतीत में भी अमर थी और भविष्य में भी अमर रहेगी। लोकतंत्र के केंद्र इस संसद में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम मुश्किल लगने वाले लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करके दिखाएं। जो कल होना है उसे आज पूरा करने की कोशिश करें, जिसे दूसरे को आने वाले दिनों में करने के बारे में सोच रहा है उसे हम भारतवासी पहले करके देखें। आइए अपने लोकतंत्र को समृद्ध करते हुए हम उस वेद वाक्यों को आत्मसात करें जिसमें कहा गया है, सोंग गच्छधो सोंग बदधं सोंग बोहो मनांसी जानतम, अर्थात हम सब एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले, हमारे संकल्प स्तरों में एकता का प्रवाह हो और हमारे अंतःकरण एक दूसरे से जुड़े। आइए हम राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए संविधान की शपथ को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।